क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ ए का वैल्यू दिया है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। एक्चुअल में ये पोलर फॉर्म कहलाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए यहाँ पर देखिए, हमें इसका वैल्यू निकालना है, वन प्लस ए बाई में वन माइनस ए का वैल्यू, तो वन प्लस ए का वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा यानी आयोटा साइन थीटा, और बाई में वन माइनस, यहाँ ब्रैकेट में देते हैं, अगले स्टेप में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, वन माइनस का कॉस थीटा और ये माइनस का आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना जी, अब क्या करेंगे, डिनोमीटर वाले के कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ना करेंगे जी, तो ऊपर जो है पहले ऐसे ही लिख देते हैं, नीचे देखिए क्या होगा, वन माइनस कॉस थीटा माइनस का साइन आई साइन थीटा आयोटा साइन थीटा, तो इंटू कर देंगे, वन माइनस कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा, वन से तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, वन माइनस का कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, फिर कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस का आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा साइन थीटा से, तो माइनस यहाँ प्लस का आयोटा साइन थीटा, और यहाँ माइनस का आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में नीचे देखिए एक बार, ये इस पूरे को देखो, वन माइनस कॉस थीटा को, और इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में दिख रहा है ना भी, तो वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस आई आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, अच्छा और कौन सा कटेगा, माइनस कॉस थीटा से प्लस का कॉस थीटा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस का ये कॉस स्क्वायर थीटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस बोलते हैं, हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस का टू आयोटा साइन थीटा, और नीचे आपका देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग आप लिख सकते हैं नीचे क्या हो जाएगा इसे आप करिए, तो यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, वन का स्क्वायर माइनस का टू इंटू वन इंटू में कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू प्लस का वन हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर देखो यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस, प्लस का वन यानी किया जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, वन माइनस इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, प्लस का टू आयोटा साइन थीटा, और नीचे देखिए क्या होगा, यहाँ पर वन माइनस टू कॉस थीटा, और यहाँ पर इसका वैल्यू वन हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, ऊपर देखिए वन माइनस का यहाँ वन और प्लस का टू आयोटा साइन थीटा, और बाई में नीचे वन वन टू माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, वन से वन हटा देते हैं यहाँ पर, माइनस का टू कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए वन से वन हट गया, ऊपर है टू आयोटा साइन थीटा, और नीचे से आप टू कॉमन कर लोगे तो वन माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा, आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और नीचे जो आप देख रहे हैं वन माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ टू से टू साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू आ गया, तो आयोटा यहाँ पे कॉट थीटा बाई टू आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।